दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, ऑटो में दिखी 3 से ज्यादा सवारी तो जब्त होगा वाहन, वसूला जाएगा भारी जुर्माना। झारखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्ती और बढ़ा रही है। जहां 3 बजे के बाद बाहर घूमने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइन पढ़ना होगा और सार्वजनिक ऑटो में 3 से ज्यादा और कार में 4 से ज्यादा सवारी दिखी तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। सड़क पर नजर आने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के नाम पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहे तो एसडीओ से प्रमाणित करानी होगी जांच रिपोर्ट। निजी लैब से कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देकर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, अधिकारी, पैरामेडिक्स को अब कोविड रिपोर्ट एसडीओ द्वारा प्रमाणित करानी होगी। वैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिक्स जो कोविड अस्पताल एवं वैसे पदाधिकारी कर्मी जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित कोषांग में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उन्हें अब अपनी कोविड रिपोर्ट एसडीओ द्वारा प्रमाणित कराना होगा। आपको बता दें कि बिना एसडीओ द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट को जिला प्रशासन द्वारा अमान्य करार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विभागों की समीक्षा, ग्रामीण इलाकों से संक्रमितों का आंकड़ा जुटाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सभी विभागों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए चुनौती का समय है। ऐसे हालात में नई योजना अथवा नीतियां बनाने का जरूरत जहां जरूरत है वहीं पुरानी नीतियों में भी बदलाव लाना होगा। इतना ही नहीं, कोई भी नीति अथवा योजना बनाए तो उसके दूरगामी परिणाम का भी जरूर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना सिर्फ बीमारी के रूप में सामने नहीं आई है, इसके संक्रमण से लगभग हर तबका प्रभावित है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोजगार सेवक ले रहा था 10,000 रुपए की घूस, एसीबी ने दबोचा रंगे हाथ। एसीबी की टीम ने छतरपुर प्रखंड में रिश्वत लेते हुए रोजगार सेवक को रंगे हाथ दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 10,000 रिश्वत ले रहा था। रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान छतरपुर प्रखंड के कचनपुर पंचायत में कार्यरत था। पलामू परमंडलीय एसीबी टीम मोहम्मद रहमान को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, उससे पूछताछ की जा रही है। मौसम ने ली करवट, 7 अप्रैल तक छाए रहेंगे झारखंड में बादल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर असम तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह बिहार होते हुए गुजर रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण झारखंड पर भी इसका असर है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम परिवर्तन का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान गरज और तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम को लिखी चिट्ठी, धान खरीद की अवधि बढ़ाने का किया अनुरोध। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि गढ़वा और पलामू जिला में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान क्रय की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी जाए। जानकारी के अनुसार फिलहाल इसकी सीमा 30 अप्रैल तक ही निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तथा तकनीकी कारण से गढ़वा और पलामू जिला में महज 35% धान की ही खरीद हो सकी है, बाकी का धान अभी भी गोदामों में रखा हुआ है। देश में अब तक 15.89 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच टीकाकरण में भी तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 मई तक देश में कुल 15.89 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। देश में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ है और अब तक इस आयु वर्ग के 4 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। 18+ टीका देने वालों में गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। झारखंड की राजधानी रांची में बांग्लादेश के रेमडेसिविर की हो रही थी कालाबाजारी, 6 इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद भी इसकी कालाबाजारी चल रही थी। रांची में बांग्लादेश के इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने हटिया स्थित होटल रासो से 6 इंजेक्शन के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने
6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक कार और एक बाइक बरामद की है। बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन बांग्लादेश का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, मरीजों को ऑक्सीजन की नहीं करनी है चिंता, रांची के अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन का उपयोग होगा। धनबाद और जमशेदपुर में भी जल्द शुरू होगी, जी हाँ जल्द सेवा शुरू होगी। उन्होंने कहा, संजीवनी वाहन 24 घंटे सातों दिन ऑपरेशनल मोड में कार्य करेंगे। कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने लगेगा HEC। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो HEC प्रबंधन जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य शुरू करेगा। प्रबंधन के सूत्रों के अनुसार HEC को राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की अनुमति दे दी है। इसके बाद से ही HEC प्रबंधन प्रतिदिन लगभग 50 ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिलिंग करने की क्षमता विकसित करने में जुट गया है। मिली जानकारी के अनुसार HEC प्रबंधन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की तकनीक के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों से संपर्क करने में जुटा है। इसके साथ ही राज्य में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में कम मात्रा में ही सही लेकिन बढ़ोतरी हो सकती है। बंगाल में भड़की हिंसा में 12 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने हालात पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 मई को आया। तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ता जगह जगह पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, कार्यालयों में आगजनी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये BJP के अंदरूनी कलह का नतीजा है, इसमें TMC कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल में हो रही हिंसा से संबंधित वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि भीड़ घरों, दुकानों, बाजारों और लोगों पर हिंसक हमले कर रही है। ऊंट से होगा कोरोना के मरीजों का इलाज, नई रिसर्च से जगी उम्मीद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में एक नए तरह का रिसर्च चल रहा है। यह रिसर्च वहां के कुबड़दार ऊंटों पर किया जा रहा है। वहां के वैज्ञानिक ऊंटों में कोरोना वायरस के मृत स्ट्रेन को डालकर टेस्ट कर रहे हैं और एंटीबॉडी बनने का रिजल्ट देख रहे हैं। UAE के वैज्ञानिकों को लग रहा है कि जिस तरह ऊंट कोविड के लिए इम्यून है, उसी तरह उन पर किया जाने वाला क्लिनिकल ट्रायल कोविड का कोई कारगर इलाज जरूर ढूंढेगा। डॉक्टर उलरिक वार्नरी UAE के सेंट्रल वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरी के हेड हैं और वे दुबई के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। आजकल उनकी टीम कुबड़दार ऊंटों में COVID-19 वायरस के मृत सैंपल का इंजेक्शन दे रहे हैं। कंगना ने लगाई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार, रोते हुए फेसबुक में डाला वीडियो। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट करने के कारण कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब कंगना रनौत ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में कंगना रनौत रोती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। कंगना कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पश्चिम बंगाल की हिंसा पर कुछ नहीं कर रहा है, ये इंडिया के खिलाफ सीधी साजिश है। कंगना रनौत ने कहा कि वैसे तो वो मोदी सरकार की समर्थक है, लेकिन बंगाल को लेकर उनके रवैये से निराश हैं। कंगना रनौत वीडियो में कहती हैं कि आप बंगाल में धरना देने जा रहे हैं, आप देशद्रोहियों से क्यों डर गए। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, इसे AP स्ट्रेन और N440 के नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पनिया के शिकार हो जाते हैं।
इसका मतलब सांस मरीज के फेफड़े तक पहुंचना बंद हो जाती है। सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाती है। भारत में इन दिनों इसी के चलते ज्यादातर मरीजों की मौत हो रही है। 12 से 15 साल के किशोरों के लिए फाइजर के टीके को एक हफ्ते में मंजूरी दे सकता है FDA। अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन यानी FDA द्वारा 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर के COVID-19 टीके को अगले सप्ताह मंजूरी दिए जाने की संभावना है। एक संघीय अधिकारी और इस प्रक्रिया से अवगत तथा अगले स्कूली वर्ष शुरू होने के से पहले कई खुराकों की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति ने इस बारे में बताया। कंपनी का टीका 16 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए पहले ही मंजूर किया जा चुका है। हालांकि कंपनी ने पाया कि उसका टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है। इसके महज एक महीने बाद यह घोषणा हुई है। संघीय अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के फाइजर की दो खुराक वाले टीके पर इस सप्ताह के शुरू में आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की संभावना है। दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने फ्री मिलेगा राशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन तथा ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन 2 महीने तक लागू रहेगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी।